थिंक एंड ग्रो रिच बुक में से पहले 5 स्टेप्स पर हम ऑलरेडी वीडियो पब्लिश कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। आज हम इस वीडियो में अगले 5 स्टेप्स को कवर करने वाले हैं, जो इस प्रकार हैं। स्टेप नंबर 6 है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। दोस्तों, जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सके। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर है कि बदले में उन्हें कुछ तो फ़ायदा या कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाएं और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहें। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम रखें। आपको हर तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर एक चीज़ की नॉलेज, एक्सपीरियंस या एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हार्मनी की ज़रूरत पड़ेगी। और इस बात का ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय जरूर ली जाए। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे प्लान पर काम करें। अगर दूसरा प्लान भी नहीं चलता है तो हार कभी भी ना माने। नए नए प्लान तब तक बनाते रहें जब तक आपको कोई पक्का प्लान नहीं हाथ लग जाता। याद कीजिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वे लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुए थे। बार बार फेल होने के बाद ही तो वो एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाए थे। जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता, और जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाला आखिर में विनर बनता है। फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ गलत है, जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया और उसमें बदलाव की ज़रूरत है। अगर थॉमस ने भी हार मान ली होती तो आज शायद कोई उसका नाम तक ना जानता होता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? आप एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर नए सिरे से काम करें। स्टेप नंबर 7 है डिसीज़न। फोर्ड मोटर्स की मॉडल टी एक ज़माने में दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवाइज़र ने इस कार के डिज़ाइन को बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिज़ाइन में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर किया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे, और हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है। कहीं भी हाँ या कहीं भी ना करने वाला हमेशा गरीब और फेलियर ही रहता है। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू कर देते हैं। देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी होती है और नतीजा कुछ भी हाथ नहीं आता। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसले पर पूरा यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनमें धीरे धीरे जरूरी बदलाव लाते हैं। वे आसानी से लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि खुद के आइडियाज़ पर भरोसा रखते हैं। ओपिनियंस इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों से राय मांगते रहेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ज़्यादातर लोग आपको ऐसे वाहियात ओपिनियन देंगे जो आपको डिस्करेजमेंट ही देंगे, ना कि मोटिवेट करेंगे। फिर चाहे वो आपके पक्के दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। सिर्फ आपके मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसलिंग करें। सिर्फ आपका ग्रुप ही आपके साथ पूरी तरह सिंपथी और हार्मनी रखता है, क्योंकि आपका पर्पस एक ही है। अपने ग्रुप के मेंबर्स भी सोच समझकर चुनें। हम आगे के चैप्टर में मास्टरमाइंड की पावर के बारे में भी बताएंगे। आपके पास खुद का दिमाग है तो इसे इस्तेमाल करें। सक्सेसफुल बनने की जो आग आपके अंदर है उसकी पुकार सुने। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए, ये बात आप जानते हैं। दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ उसी इंसान की कदर होती है जिसकी बातों में दम हो और जिसका काम बोले। और सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, और वे उसे हासिल करके ही रहते हैं। स्टेप नंबर 8 है परसिस्टेंस। बेशक धीरे धीरे, मगर लगातार बढ़ते रहें। आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो सफलता एक दिन आपके हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी। खुद पर यकीन रखें कि आप इतने काबिल हैं, आपके अंदर वो स्किल और नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है।
अपने लिए एक सही प्लान तैयार करें। जो इस प्लान में आपकी मदद कर रहे हैं उन साथियों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें। अपनी विल पावर को परख लें, फिर अपने प्लान पर फोकस करें। सबसे पहले जरूरी है कि अपने मन का डर भगा दें। जो डरता है वो कुछ नहीं कर पाता है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक बड़े ब्रेक के इंतज़ार में बैठे हैं। कोई मनपसंद जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग डिसअपॉइंटेड रहते हैं। ब्रेक पाने के लिए उतने ही एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं, ये अचानक नहीं मिल जाता। लेकिन हम अपना बिग ब्रेक पा सकते हैं जब हम इसके लिए एक प्लानिंग करते हैं और उसके रास्ते पर लगातार बढ़ते रहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और ख़ास प्लान से ये मौका पाया होगा मगर सफल नहीं हो पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने आसानी से गिव अप कर लिया। एक बार फेल होते ही उन्होंने हार मान ली और प्लान ही छोड़ दिया। मगर ये हार तो टेम्पररी थी, इस बात को वे भूल गए। हार का एक ही जवाब है और वो है आगे बढ़ते रहना। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने के लिए हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाल देता है। हमारी हार हमारी विल पावर को परखने का बस एक तरीका है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो कुछ भी आपने सोचा है उसे पूरा करके ही आप रहेंगे। स्टेप नंबर 9 है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक कहावत है कि नॉलेज इज़ पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपकी पावर बन सके। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका है। इस बात को इलेक्ट्रिक बैटरी के साथ समझते हैं। एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी ही एनर्जी देगी, लेकिन जब एक से ज़्यादा बैटरी हमारे पास हो तो लंबे समय तक उसकी एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे ही जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इनकी मदद से आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। अपनी कॉरपोरेशन बनाने से पहले हेनरी फोर्ड भी एक गरीब, अनपढ़ और इग्नोरेंट इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उनके मास्टरमाइंड थे। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती रखी थी। फोर्ड अपने इन भरोसेमंद और महान दोस्तों के साथ बहुत मिलनसार और सहयोगी रिश्ता बनाए रखते थे। अपने इस काबिलियत मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड अपने गरीबी मिटाकर इतने बड़े सफल बिजनेसमैन बन पाए। सिर्फ 10 साल लगे उन्हें पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट बनने में और 25 साल बाद वे अपने देश के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। एक मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने से बहुत से इकोनॉमिक एडवांटेज तो हैं ही, बल्कि मानसिक रूप से भी ये फ़ायदेमंद है। जब भी दो दिमागी ताकतें आपस में मिलती हैं तो एक नई अनदेखी ताकत पैदा होती है जो उन दोनों दिमाग के साथ मिलकर 3 दिमागों जितनी ताकत पैदा करती है। जाहिर है कि एक ग्रुप में जब इतने दिमाग होंगे तो वो एक अकेले दिमाग की ताकत को भी बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर कहें कि दो दिमाग एक अकेले से ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। अगर ग्रुप के लोगों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है तो वो मिलकर किसी भी इंडिविजुअल से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। वे मिलकर कमाल कर सकते हैं क्योंकि एक अकेले इंसान की तुलना में उनकी ताकत कई गुना बढ़कर होती है। स्टेप नंबर 10 है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसमोटेशन। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर स्टिम्यूली होती है। सेक्स ट्रांसम्यूट का मतलब है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज़ है, ये इंसान की ज़रूरत की चीज़ों में शामिल है। आप इससे मुँह नहीं मोड़ सकते। अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो ये एक डिस्ट्रक्टिव हथियार बन जाता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशंस हैं, वकील, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी इस शरीर की भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया है और महान बने हैं। माइंड स्टिम्यूली करने के कई तरीके हैं, जैसे शराब, ड्रग्स या आपके मन का डर, लेकिन इन सब में सेक्स ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। जो इंसान इस पर कंट्रोल नहीं रख पाता वो अक्सर जुर्म, गरीबी और बदहाली में ही जीता है। जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया उसका हमेशा भला हुआ है और वो एक जीनियस बनकर उभरता है।
जीनियस इंसान किसी प्लेन के पायलट जैसा होता है, वो पहाड़ों और पेड़ों के ऊपर से जाता है, वो ऊंची उड़ाने लगाता है। सेक्स और खाना हमारे जीवन में ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों की तरह है। एक जीनियस इन ऑब्स्ट्रक्शंस को पार करके खुद को आज़ाद कर लेता है। अब वो अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल करके खुद के लिए तरक्की के रास्ते खोल सकता है। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन सिक्स्थ सेंस की तरह है, जितना ज़्यादा हम इसे यूज़ करेंगे ये उतनी ही अच्छी होती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सक्सेसफुल लोग और ज़्यादा समझदार और प्रोडक्टिव बन जाते हैं। स्टडीज़ से ये प्रूफ हुआ है कि सक्सेसफुल लोगों में स्ट्रॉन्ग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वो इस एनर्जी को वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ उन्हें अपनी क्रिएटिव आउटलेट की ज़रूरत होती है। जितने भी गाने, कविताएं या नॉवेल्स हैं, उनमें लव और सेक्स का ही जिक्र है। आपके अंदर का करिश्मा और कॉन्फिडेंस आपकी सेक्स अपील से ही झलकता है। आप किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। आप भी अपने अंदर की इस पोटेंशियल को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए यूज़ करें। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा ज़रिया ढूंढें जो कुछ क्रिएटिव हो, ना कि उसे शरीर की भूख समझकर शांत करते रहें। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है। इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसे खुद को महान बनाने में लगाइए और साथ ही अपनी सेक्सुअल एनर्जी के एडवांटेज से अपने करियर को नई ऊंचाइयों में ले जाइए और अमीर बनिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में से लिए गए इन स्टेप्स पर बनाई गई वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है और मेरी ये छोटी सी कोशिश अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट किस बुक के बारे में आप जानना चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना। अगर आप इसे Instagram या Facebook पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना, ऐसी बुक समरीज को आगे भी देखने के लिए। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।